नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज आप सभी के लिए जो है एक और अपडेट लेकर हाजिर हूँ। तो साथियों, आज के जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो जितने भी जो ITI के मेरे स्टूडेंट्स मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए जो एक और नई अपडेट निकल के आएगी। अगर आपके जो है रजिस्ट्रेशन के अंदर जो आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अगर इस तरह की कोई गलती है तो उसके लिए जो है आप ठीक करवा सकते हैं। और वो कैसे करवा सकते हैं वो सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं देने जा रहा हूँ। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को तो दबाई दीजिए ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास रेगुलर आता रहे। और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि जो कोई भी स्टूडेंट्स की अगर कोई मिस्टेक है नेम में, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ के अंदर स्पेशली, तो वो अपना जो है ठीक करवा सकें। साथियों, तो अभी जो है आप देख सकते हैं ये मैंने ओपन की हुई है DGT की जो वेबसाइट है ncvtmis.gov.in। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आप राइट साइड के अंदर न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं तो इसके अंदर ये आज की डेट में जो है यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनल फेज ऑफ अपलोडिंग शेड्यूल। तो इसके ऊपर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका जो है ये आपका लेटर जो है ओपन हो जाएगा साथियों। तो यहाँ से भी आप जो है खुद अपने मोबाइल में, फ़ोन में भी खुद भी इस लेटर को जो है डाउनलोड करके जो है देख सकते हैं साथियों। तो आपको करना क्या है, पहले मैं आपको ये लेटर दिखा देता हूँ। ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो ये देख सकते हैं साथियों। तो ये आज ही अपलोड हुआ है लेकिन 19 ये है जून का। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में देखिए बता रहा है कि फाइनल फेज ऑफ अपलोडिंग ऑफ CTS एडमिटेड ट्रेनी डाटा 2019-20। तो 2019 के अंदर जितने भी जो कैंडिडेट थे जिनका दाखिला हुआ था तो उन सभी का जो है फाइनल चांस दिया जा रहा है उनकी जो डाटा वगैरह अपलोड करने के लिए ITI को। तो यहाँ पर ये बताया गया कि अलग अलग यहाँ पर डेट्स दी गई है। तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर 1 में कह रहा है कि अपलोडिंग एंड डिस्चार्जिंग एंड एडिटिंग ऑफ लेफ्ट ओवर स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्चार्ज स्टूडेंट बाय SPIU और /NSTI। तो जितने भी है SPIU और NSTI है उन सभी के लिए जो यहाँ पर डेट दी गई है 25 से जो है जून से 4 जुलाई तक यहाँ पर जो है टाइम पीरियड दिया गया है। तो उसके अंदर जो है ये स्टूडेंट का जो है यहाँ पर डाटा, जिसका अगर किसी स्टूडेंट का नाम कट गया है या किसी का अपलोड नहीं हुआ है या किसी की एडिटिंग कोई करेक्शन करनी है तो उनके लिए जो है ये तारीख दी गई है 25 जून से 4 जुलाई तक। तो ये लिखा हुआ, ये देखिए एडिट के अंदर मैक्सिमम 3 करेक्टर इन केस ऑफ नेम, फादर नेम या रिप्लेसमेंट ऑफ अनदर स्टूडेंट इज नॉट अलाउड इन एडिट ऑप्शन। तो नेम, फादर नेम के अंदर जो है 3 करेक्टर की तो मैक्सिमम यहाँ पर जो है करेक्शन की बात की गई है, ठीक हो सकता है। और जितने भी जो ITIs हैं, NSTIs हैं उनके लिए यहाँ पर फोटो जो है अपलोडिंग, वेरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट डाटा, एडिटिंग एंड अप्रूवल ऑफ अपलोडेड ट्रेनी डाटा, उनके लिए जो ITIs वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है 6 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में यहाँ पर तारीख दी गई है करेक्शन वगैरह करने के लिए या अपलोडिंग कोई डाटा रह चुका है तो। और यहाँ पर फिर दोबारा है एक और यहाँ पर प्राइवेट जो कैंडिडेट है, जो प्राइवेट ITI वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पर डेट दी गई है 13 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में। तो ये जो डेट्स यहाँ पर दी गई हैं जो है अगर ITIs को, सभी को, SPIUs को और NSTIs को कि अपने जो है ट्रेनिंग का डाटा अपलोड कर सकते हैं जो रह गए हैं या कोई वेरिफिकेशन रह गई है या किसी की एडिटिंग करनी है, करेक्शन करनी है, तो उन सभी के लिए डेट बाउंड यहाँ पर दी गई है। तो सभी जो है ITI के जो स्टूडेंट हैं उन सभी को यही कहना चाहूँगा, अगर किसी जो है स्टूडेंट की किसी स्पेलिंग के अंदर कोई मिस्टेक है तो वो अपनी ITI के जा कर जो है जो यहाँ पर डेट बाउंड दी हुई है इसके दौरान उनका जो है करेक्शन हो सकती है। तो आपने करना क्या है, आपने अपनी ITI में जाना है और एक एप्लीकेशन जो है हैंड रिटन आपने लिखनी है कि आपने फलाना जो है आपका नेम में या फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी गलत है तो वो ठीक की जाए। और उनको ये भी बता दे देंगे, उनको यार जो है लेटर तो ऑलरेडी सभी के पास जो पूरे इंडिया में पहुंच चुका है सभी ITIs के पास, तो आप जो है अपना यहाँ पर जो है डाटा ठीक करवाने का जो है लास्ट चांस है आपके पास। बाय द वे, अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको पता है लेकिन आपके ITI को जो है आपका नहीं पता है कि आपके नेम, फादर में ये गलती है, तो ये आपके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना नेम, फादर नेम जो है चेक करें अच्छे से,
मेन साथियों नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये तीन चीज़ें तो बिल्कुल आपके करेक्ट होनी चाहिए एज पर जो है मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है। तो ये ज़रूर आप ठीक करवाएं। अगर किसी साथी की अगर यहाँ पर कोई गलती है तो अपने आईटी में जाके संपर्क करें और ये अपना जो है ठीक करवा लीजिए, क्योंकि ये लास्ट चांस देंगे। उसके बाद जो है अगर आपकी गलती रह गई तो वो एज इट इज़ ही आपकी मार्कशीट के ऊपर जो है सेम वही लिख कर जो है रिटर्न आएगा। तो साथियों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा साथियों। आप हमें जो है ट्विटर पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो है मेरे चैनल पर मैं रेगुलर आप सभी के लिए लेके आता रहता हूँ। और इसी तरह से अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक तो कर ही दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही में से कोई साथी ऐसे ही हो सकते हैं जिनकी जो है कोई करेक्शन करवाने वाला हो, तो उस तक ये सूचना ज़रूर पहुंच जाए। तो साथियों ये आप सभी का काम है कि वीडियो को शेयर करके सभी जो स्टूडेंट्स को ये सूचना दे, ताकि वो भी अपने भाई बंधु को किसी को ये बता सके कि आपके जो है नाम वगैरह ठीक हो सकते हैं। साथियों तो ये लेटर आप मैंने बताया, इसका लिंक भी आपको मैं अपनी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 जुलाई 2020 के बाद कोई भी जो है फर्दर आप जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं कोई भी आईटीआई कि हम अपना डाटा करेक्ट वगैरह करें। तो ये लास्ट चांस दिया गया है डीजीटी के द्वारा सभी आईटीआईज एनएसटीआईज को, तो कि जो अपना डाटा करेक्ट कर लें या कुछ रह गया तो वो भी जो है ठीक कर लें। तो साथियों इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेटेस्ट अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।